मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बिग बॉस सीजन 10 अब अपने आधे पड़ाव को पूरा कर चुका है और बचा है अब बिग बॉस के घर में आधा सफर। इसके साथ ही घर में अब आए दिन पहले से भी ज्यादा ड्रामे देखने को मिल रहे हैं, जहां एक और सीक्रेट रूम में प्रियंका चक्का और मनु पंजाबी हैं, वहीं घर में सभी सदस्य किसी ना किसी तरह बस शो के आखिर तक जाना चाहते हैं। इन कंटेस्टेंट का हर रूप देखने के बाद चलिए आपको बताते हैं कि किस कंटेस्टेंट ने कितनी पढ़ाई की है। कलकत्ता में जन्मी मोनालिसा ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संस्कृत में ग्रेजुएशन किया है। मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्में की हैं, साथ ही हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी उन्हें देखा जा चुका है। वहीं अगर बात करें मनु पंजाबी की, तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अपना रियल स्टेट बिजनेस में करियर बनाया और बचपन से ही वो क्रिकेटर बनने के शौकीन थे। अपने अलग एटीट्यूड की वजह से घर वालों के निशाने पर आए दिन रहने वाली बानी जे ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। वहीं लोपा मुद्रा ने नागपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। लोपा मुद्रा साल 2013 में फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। साल 2014 में फेमिना मिस इंडिया में उन्होंने मिस बॉडी ब्यूटीफुल का खिताब भी जीता था। इन दिनों सीक्रेट रूम में घर के बाकी कंटेस्टेंट की गतिविधियां देखने वाली प्रियंका ने MBA किया है। वहीं अपनी हरकतों से कंटेस्टेंट और सलमान खान के गुस्से का शिकार हुए ओम स्वामी जी ने एस्ट्रोलॉजी में PhD किया है। दिल्ली में पली बड़ी नितिभा कौल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और गूगल में मार्केटिंग एनालिस्ट और एडवाइजर के रूप में वो काम भी कर चुकी हैं। वहीं रोहन मेहरा ने दिल्ली के हंस राज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और रोहन कई TV सीरियल जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुमराह, बड़े अच्छे लगते हैं में भी नजर आ चुके हैं। नोएडा के रहने वाले मनवीर गुर्जर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद वो अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगे। छोटे पर्दे के होनहार कलाकारों में से एक गौरव ने ग्रेजुएशन किया है और कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके राहुल देव ने दिल्ली से स्कूली शिक्षा हासिल की है। वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए घर में एंट्री लेने वाले जेसन शाह ने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से एक्टिंग की शिक्षा ली है। कैटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म फितूर से जेसन ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल में वो फिटनेस ट्रेनर के रूप में काम करते हैं और इन दिनों वो पेट के इन्फेक्शन की वजह से घर से बाहर हैं और खबर तो ये भी आ रही है कि अब वो घर में वापस नहीं आना चाहते। तो ये थी वो लिस्ट जिसमें हमने आपको बताया कि बिग बॉस सीजन 10 में कौन सा कंटेस्टेंट कितना पढ़ा लिखा है। अगर दो चार नाम छोड़ दिए जाए तो बाकी के लोगों को देखकर और उनकी बातें सुनकर ये नहीं लगता कि वो इतने पढ़े लिखे हैं जैसे कि प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम जी। इनको देखकर तो एक बात साफ कही जा सकती है कि कभी कभी पढ़े लिखे भी अनपढ़ों की तरह व्यवहार करने लगते हैं और कभी कभी अनपढ़ भी अच्छे खासे पढ़े लिखों को कड़े टक्कर देने लगते हैं। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।